Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskritam Narang Seva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tatajay Mudirayat Mukham Karoti Vasalang Pangulang Haitagirin Jatkripa Atamahang Bande Paramananda Madhavam Siguru Dinatarinam Sri Chaitanyaiswaram Namaskar. Taj hum log shravan karenge Srimad Bhagavatam Pratham Skanda Ditya Adhyay Shlok number बोला क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा अक्षर मालूम है लेकिन डिजिट्स मालूम नहीं मुझे देखने पड़ेगा आई कैन नॉट कैच ऑल द डिजिट्स सर मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तब भी आप लोग समझ पाएंगे मैं आस्ते आस्ते करके बताऊंगा आप लोगों को ओम नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय को वा भगवतस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः शुद्धिकामनः श्रुणुया कम न सुनिय यश कलिमलापः को वा भगवतस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामना सुनिया यश कलिमलापः को वा भगवतस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामना श्रुणुयात् यश कलिमलापः जो भगवान के पुण्य यश को सुनना नहीं चाहेगा तात्पर्य कलि युग अपने कलह प्रधान लक्षण के कारण
अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी से ना समझती से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे रहे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्म के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार को विरोधी है। दूसरे शब्द में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका जशोगान करना चाहिए। जैसे कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है, तात्पर्य समाप्त है। तो इस श्लोक में भगवान का कथा श्रवण का महिमा के बारे में वर्णन किया जाता है और प्रभुपाद ने बताते हैं कैसा एक कलियुग का नेताओं ने शांति समृद्धि चाहते हैं। ये भी हम लोग देख पाते हैं, जिधर नेता लोगों को देखो सब जगह पर वही वक्तव्य रखते हैं, शांति बजाय रखो, हाँ, और सब कुछ अच्छा ज्ञान देते हैं। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं सब लोग राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम का बगैर कभी भी राम राज्य नहीं हो सकता है। राम को केंद्र में रखने से ही हम लोग राम राज्य कर पाएंगे, लेकिन आजकल लोगों का मतलब दूसरा है। ये हर जगह पर ऐसा होता है, लोगों का दिमाग में तो कुछ नहीं, जो कुछ है सब शास्त्र तो लेते हैं, भगवान से लेते हैं, लेकिन भगवान को दूर रखते हैं। ये जितना सब नए भगवानों को निकलते हैं, वो लोग का कुछ गुड़बक कुछ बुद्धि नहीं है, वो भगवान का कृष्ण के बात को लेकर बताते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं, मैं ही सब कुछ, ऐसा करते हैं ना। ये हर जगह पर ऐसा ही देखा जाता है। हाँ, लेकिन तो अपस्थिति चपस्थिति हम लोग देखते भी देख नहीं सकते हैं। हम लोग तो देखते हैं जो कैसा सारा दुनिया में ये राजनीतिक लोगों का नियंत्रण करने का शक्ति कम हो जाता है। ये लोग ठीक से दुनिया को देखभाल नहीं कर पाता है, इसीलिए प्रभुपाद ने बताते हैं। तो पुराना जमाना में तब सारा पृथ्वी एक देश था, तब एक राज्य शासन करते, अम्बरीश पुरु परीक्षित, जिस एक राजा पूरा पृथ्वी को शासन करते थे। तो आजकल तो पृथ्वी छोटा होते हुए तब तो पृथ्वी का नाम था क्या, सारा पृथ्वी का नाम क्या था, अरे बहुत पहले तो भारतवर्ष था, भारत, उससे पहले इलावर्त था, उससे पहले आर्यवर्त था। तो भारत जब था तब तभी पृथ्वी सारा पृथ्वी एक ही था। तो अभी भारत कितना है,
हाँ, छोटा होते होते इतना छोटा हो गया। 50-60 साल पहले बहुत भारत और बड़ा था, बांग्लादेश पाकिस्तान था, उससे पहले अफगानिस्तान कांदहार ये सब था, एक भारत था। तो प्रभुपाद ने बोलते हैं तो ये जो यूनाइटेड नेशन बनाए पूरा विश्व को इकट्ठा करके रखने के लिए, प्रभुपाद यूनाइटेड नेशन का सामने में जॉब करते थे। तो प्रभुपाद बताए मैं तो हर साल इधर जॉब करने के लिए आता हूँ, ये जाति संघ है इसको संघबद्ध करना क्या है, हर साल मैं देखता हूँ इधर फ्लैग का संख्या बढ़ते रहते हैं, तो ये क्या यूनाइटेड नेशन का काम है ये है? हाँ, फ्लैग बढ़ते रहेगा तो भाग होता है। तो क्यों वर्तमान लोगों ने, वर्तमान युग का जो नेता लोग होते हैं कितना फैसिलिटी है, दिमाग कितना जोरदार है, हाँ कितना चिंताशील है, तब क्यों ऐसा हो जाता है? ये लोग कितना मीटिंग करते हैं, सभा समिति करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तब भी क्यों पृथ्वी को नियंत्रण कर नहीं पाता है? पहले जमाना में ये राजा लोग होते थे, सारा पृथ्वी को कैसा नियंत्रण कर सकते थे? आजकल कितना रेवोल्यूशन होता है, हाँ, तो राजा लोग उस समय क्या करते थे? वो लोग राजा लोगों ने जो बहुत बड़ा मीटिंग बुलाते थे, सभा समिति करते थे, इनकलाब जिंदाबाद ऐसा करते थे, ऐसा नहीं करते थे। वो लोग क्या करते थे? वो लोग हर समय बैठ के साधु सज्जन के साथ हरि कथा श्रवण करते थे, यज्ञ करते थे, इसी काम में मग्न रहते थे बस। ऐसा नहीं जो मैनेजमेंट करेगा, मैनेजमेंट करने के लिए ए उधर जाओ उधर जाओ, ए मीटिंग बुलाओ वो मीटिंग बुलाओ ऐसा करो, ए ए सब सोचते ना ओह मैं गुड मैनेजर हूँ। लेकिन हम लोग तो एक गुड मैनेजर नहीं है। गुड मैनेजर कौन है? सब कुछ अच्छा चलता है वो बस के भागवत पाठ करते हैं, ये गुड मैनेजर है। ही इज गुड मैनेजर। जो मैनेजर इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, इसको बोला इसको बोला, एक भागाओ इसको भागाओ इसको भागाओ, ये गुड मैनेजर नहीं है। तो उस समय का मैनेजमेंट इस समय का ये फर्क है, अंतर है। लोगों ने सोचते हैं तो हम लोग को मैनेज कर रहा है, देश को चालन करना चाहिए, ये साधु सन्यासी होकर क्या पड़ेगा? नहीं, वो लोग क्या करते थे राजा लोगों ने, तो साधु सन्यासी लोग ऐसा करते थे तो दिमाग ठंडा रहता था और सबको अच्छा से प्यार करते थे, कोई रेवोल्यूशन नहीं होता था। इससे क्या सब टैक्स भी अच्छा से देते थे, प्रजानुरंजन राजा होते थे, उसे सब ठीक से चलता था। तो ये प्रभुपाद का बोलने का मतलब है। तो हम लोग का भगवान का महिमा कीर्तन करके, भगवान का कथा श्रवण करके सब कुछ बैलेंस, वेल बैलेंस हो जाएगा। क्यों वेल बैलेंस हो जाएगा? ना प्रजा लोग सब एकदम शांत हो जाएंगे। हाँ, तो ये लोग, ये तो पॉजिटिव साइड है, भगवान का कथा श्रवण करने से प्रजा लोग शांत हो जाएंगे, राजा अच्छा से शासन कर पाएंगे। लेकिन आजकल लोग क्या बोलते हैं, ये राजा लोग सब भगवान को उठाया तो भगवान का नाम पर प्रजा को दुर्बलता को लेकर वो लोग शासन करेंगे, ये लोग चिंताधारा ऐसा है। हाँ, कोई राजा शिव का भक्त तो शिव को बड़ा करके पूजा करता है, कोई विष्णु का भक्त तो विष्णु को बड़ा करके पूजा करता है, कोई देवी का भक्त है देवी को बड़ा करके पूजा करता है। इन लोग का मतलब क्या है ना, सब प्रजाओं को वही शिव काली दुर्गा को बीच में रख के, हाँ, तो ये लोग अच्छे से शासन कर पाएंगे। ये असली लक्ष्य नहीं है, ये साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट में होता है। फिर असली प्रभाव क्या होता है, भगवान का कथा श्रवण करने से जो शासन करता होता है, जो शासित होता है, वो लोग शांत रहते हैं। तो भगवान का कथा से हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन सबको सुधार पाएंगे। आज भगवान का कथा नहीं होता है इसलिए देखो हर जगह पर विश्रृंखला है, मन में व्यक्ति का मन में शांति नहीं है, पारिवारिक शांति नहीं है, सामाजिक शांति नहीं है। और विशेष करके हमारा हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में तो पहले ज़माना में जैसा मेरा बचपन में मेरे याद है गांव में जो कुछ विचार होता था पुराण का विधान का अनुसार विचार होता था, सब कुछ होता था। तो आजकल तो ऐसा नहीं होता है। तो उसी समय में क्या होता था,
लोगों ने सारा दिन काम करते थे, पार्ट ऑफ द लाइफ था। गीता पाठ करना, भागवत पाठ करना, हरिनाम संकीर्तन करना, एक गांव-गांव में होता था। तो और पहले ज़माने में गांव-गांव में नहीं, ये राजा का मुख्य कर्तव्य था। तो ये हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग का जीवन में शांति सुख समृद्धि चाहिए। तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे सारा देश में शांति, एक कथा का द्वारा शांति प्रतिष्ठा करने के लिए। सारा देश को नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे तो हमारा समाज को कर पाएंगे, कोशिश करेंगे। हमारा समाज को नहीं कर पाते हैं तो हमारा घर को तो करो, घर में बैठ के तो सबको हरि कथा श्रवण कराओ, घर में तो शांति स्थापन करो। और घर में शांति नहीं तो समाज में क्या शांति होगा? और घर में कोई सुनते नहीं, तुम तो भागवत पढ़ो, मन में तुम तो शांति में रहो, बेसिक थिंग्स है ना। मैं समाज को उधर सुधार नहीं सकता हूँ, परिवार का सुधार नहीं, मैं आपको तो सुधार सकता हूँ। मैं आप जब हरि कथा श्रवण करके शांति सुख समृद्धि को प्राप्त करूँगा तब मैं परिवार को भी इसमें से शामिल कर पाऊँगा, मेरा समाज को शामिल कर पाऊँगा, फिर राष्ट्र को शामिल कर पाऊँगा। हरि कथा श्रवण करने से, चर्चा करने से क्या दिव्य आनंद है। तो जिधर हरि कथा नहीं होता है उस परिवेश कितना कठिनाई है, इसको अच्छा तरीके उपलब्धि करना चाहिए। मैं मानव सरोवर गया था कैलाश, सुने आप लोग? कोई सुना? कैसे सुना? हाँ नहीं, मैं गया था, सुना? हाँ मानव सरोवर गया था, बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन मेरा बहुत अनुभव आया उसमें से, बहुत अनुभव आया। तो एक सबसे बड़ा अनुभव हुआ मेरा, क्योंकि मैं सुखी कृष्ण गया था और सब कर्मी लोग थे। कर्मी लोग का मतलब एक के सुधांशु महाराज है, एक बहुत सुना ना, वो बहुत वक्ता है, उनका लड़की अर्चिका, वो अर्चिका फाउंडेशन करके वो ग्रुप ले गया और 10-15 उधर लोग से वो योग टोक सिखाते हैं। मैं तो पहले सोचा वो अच्छा हुआ योग वाला के साथ मैं जाऊंगा, तो शाकाहारी सब खाना पीना व्यवस्था किया था, लेकिन हरि कथा में किसी का रुचि नहीं है, सब कर्मी लोग है। तो 10-11 दिन मेरा 40 इयर्स लाइफ, इतना सफरिंग मेरे को कभी हुआ नहीं, ये लोग का बीच में रहते हुए इतना सफरिंग। तब मेरे को मालूम हो गया ये साधु संघ में रहना है, साधु संघ मतलब क्या है, जिधर भक्त लोग हरि कथा करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, उसी का सानिध्य में रहना। और साधु संघ जिधर नहीं होता है उधर रहना, क्या फर्क होता है। मैं तो ऐसा शास्त्र में सुना, कोई एक भक्त ने बताया साधु संघ के बारे में बताया, वो भगवान का बस प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे को कभी ऐसा मेरा जीवन में आएगा, मेरे को एक पिंजरा में शेर भल्लुक इल्लो के साथ में रहना, हाँ तो वो ठीक है, लेकिन बाहर भक्त संग साधु संग नहीं, ऐसा जगह पर मत, मेरे को मत रखो। इसका मतलब क्या है? हाँ मैंने ये जंतु जानवर के साथ रहना जितना डेंजरस है, उससे बड़ा डेंजरस है सत्संग नहीं बाहर रहना, और डेंजरस है। तो मैं शास्त्र में पढ़ा था, लेकिन मेरा को अनुभव हुआ, हाँ अनुभव हुआ कितना डेंजरस है। ये लोग सारा दिन बक 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 करते हैं, कभी थोड़ा बोलते हैं महाराज आप आए थोड़ा हरि कथा बोलो। हाँ मैं थोड़ा प्रयास किया, तो मेरे को एक दिन बोला है आओ सब बताएंगे, तो मैं सोचा ठीक है ठीक, अच्छा हुआ तो लोग हरि कथा करूँगा। तो उधर जाके वो जो ग्रुप ले आया, वो अर्शिका फाउंडेशन, उनका मतलब क्या है, तो हम लोग जो टूर करते हैं सब लोग कुछ कुछ बताओ कितना अच्छा टूर है, तो वीडियो में प्रचार करके टीवी में सब टूर ज्वाइन करो, हरि कथा कोई नहीं। अरे हरि कथा बात दो, शिव का तो कथा थोड़ा करो, तो बम भले शिव के बारे में सुनने चाहते हैं नहीं। हाँ और मेरे को एक पैकेट दिया, शिवलिंग था सब दिया, अच्छा लगा। और एक फोटो दी, एक महामृत्युंजय मंत्र है और उसका पीछे
वो सुधांशु जी का फोटो है, उनका लड़के का फोटो है, अरे तो शिव का तो फोटो रखो अंदर में, जिसको भक्ति करते हो उनका बैनर है, जो कुछ है शिव किधर ही नहीं, सब बम्भल है, बम्भल कर जाते हैं शिव क्या है क्या नहीं। मैं सोचा ठीक है ये बाबा शिव भक्त है, मेरे को मौका मिल गया थोड़ा शिव के बारे में चर्चा करूंगा तो मेरा भी थोड़ा कल्टिवेशन होगा, तो मौका ही मेरा नहीं करने के लिए क्या करूँ तो भगवान कथा क्या है, भगवान का कथा में शिव का कथा भी है, दुर्गा का कथा भी है, रावण का कथा भी है ना। भगवान का लीला असुर का बगैर होता है, हाँ भगवान का लीला साथ साथ हिरण्यकशिपु लीला भी सुनने पड़ता है ना तो भगवत संपर्कित तो सब कुछ हाँ हम लोग श्रवण कर पाते हैं। तो इसी बात पर जब प्राधान्य देते हैं, इस कलह प्रधान युग के पापों से उधार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यश को सुनना नहीं चाहेगा। अरे हम लोग क्या पाप किया उससे उद्धार पाने का बात क्या है, हम लोग अभी तो जलते रहते हैं ना, अभी तो जलते हैं हर समय हम लोग जलते रहते हैं, इससे कैसा निस्तार मिलेगा। एकमात्र उपाय होता है हम लोग सत्संग करेंगे, हरिकथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम लोग देखते हैं नामहट सम्मेलन होता है, 3-4 हज़ार भक्त आए हुए, मैं गया तो जाने जाओ अच्छा भजन होता था बांग्ला भजन, तो आर सब लोगों ने इतना खुश इतना आनंद, तो मैं पूछा हाँ तुम लोग को आनंद लगा, हाँ हाँ बहुत आनंद लगा, तो हर रोज क्यों ऐसा नहीं करते हो, जिसमें से आनंद आता है उसे करो ना, लेकिन हम लोग आनंद हम लोग आदत है, हम लोग आनंद आनंद लेना चाहते नहीं, जिसमें प्रॉब्लम है डिफिकल्टी है समस्या है उसमें ज़्यादा घुसना चाहते हैं, हाँ ये हम लोग का आदत हो गया। फॉर इज सफरिंग, दुख किधर है, हाँ दुर्दशा किधर है, वो दुख दुर्दशा में रहना ही हमारा आनंद है। ये अज्ञान के कारण मनुष्य ने चाहते हैं हमारा प्रभुपद स्कन बनाए, क्यों बनाए स्कन, स्कन लक्ष्य है ये सब लोग इकट्ठा होकर भगवान नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवत कथा श्रवण करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य का विषय बहुत गृहस्थ लोग मंदिर आता नहीं, घर में टीवी देखते हैं बैठ के, हाँ तो कैसे आनंद करेंगे कितना प्रकार, ये मायापुर धाम है तभी गृहस्थ परिवार में मैं देखता हूँ बहुत समस्या है, ये क्यों इतना समस्या है, ये समस्या का कारण है, समस्या का बगैर ये लोग रह नहीं सकता है, समस्या नहीं होगा तो कैसा लाइफ है, हाँ प्रॉब्लम इज माय लाइफ, अरे तुम समस्या क्यों, खाना पीना करो आसो नाचो गाओ कीर्तन करो हरि आनंद करो बस, लाइफ इज वेरी लिटिल, थोड़ा समय जीवन में है, इस जीवन को थोड़ा आनंद में लगाओ और क्या चाहिए, है ना। आनंद का पूरा व्यवस्था भगवान प्रभुपाद ने करके रखा है, तब भी हम लोग दुखों को इतना अच्छा मानते हैं, हाँ आनंद का मौका ही लेते नहीं, सुजोग ही लेते नहीं, हाँ तो इसलिए ईश्वर को बोलते हैं जो भगवान के पुण्य जस को सुन, ऐसा कौन आदमी है बिना पशुघ्नान पशुघाती का बेगर, ऐसा कोई है जो पशुघाती है वही ऐसा हो सकता है जो भगवान का कथा उनका जस उनका महिमा श्रवण करने के लिए नहीं चाहेगा। विशेष करके इस कलह प्रधान युग, ये कलि युग है, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कलह युग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। रूपा देवी बोलते हैं इस कलि युग में छोटा छोटा बातों पर कितना बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं कल बांग्ला क्लास देता था बांग्ला में, छोटा छोटा बातों पर स्वामी स्त्री विच्छिन्न हो जाता है, हाँ उतना बड़ा कारण नहीं, इस यू डोंट अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड हिंदी Somebody can explain what I say in English afterwards, few words you can tell her. तो ये कलह हम लोग का लाइफ में तो हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं ना, सो इजी टू स्टार्ट फाइट फॉर स्मॉल थिंग्स। इस भौतिक जगत में विशेष कलि युग में भौतिक जगत में कौन मेरा मित्र है,
कौन मेरा शत्रु है मुझे समझे, ये समझने लगे कौन मेरा शत्रु है कौन मेरा मित्र है, कोई शत्रु है कोई मित्र है नहीं। आज मेरा बहुत बड़ा दोस्त है थोड़ा बातों पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जिंदगी भर आपस में देखते ही नहीं। आज भी जो बहुत महान बड़ा शत्रु था वही बहुत दोस्त बन जाता है तो क्या कौन दोस्त है मेरा। इसलिए बंगाल में कहावत है भाई तुम्हार भालोबासा मुसलमानर मुर्गी पोसा, माने योर लव इज लाइक ए मुसलमान ग्रोइंग मुर्गी। तुम्हारा जो प्यार करते है ना मुसलमान लोगों ने जो मुर्गी पालते है ना ऐसा प्यार है, क्या मुसलमान लोगों ने मुर्गी पालन करते हैं लेकिन इसको कत्ल खाने के लिए, तो बंगाल में बोलते हैं भाई तुम्हारा भालोबासा मुसलमानर मुर्गी पोसा। ये भौतिक जगत का प्यार ऐसा ही है। ये कल जो कलह का युग है, एक ये तो काल का प्रभाव है, काल का प्रभाव को कोई रोक नहीं सकेंगे। इस दुनिया में जो कुछ होता है कोई रोक नहीं पाएंगे। प्रभुपाद ने कोशिश किए वर्णाश्रम को स्थापन करने के लिए, नहीं वर्णाश्रम कैसे होगा। और जब भगवान कृष्ण के भागवत में लिखा हुआ है ना कृष्ण सुधाम अवगत धर्म ज्ञानाधि सह कलोन्नष्ट दृशा में सब पुराणार्क धुनदित, कृष्ण जब चले गए तो धर्म को लेकर चले गए, वर्णाश्रम नहीं रहेगा। एकमात्र उपाय है ये हरि नाम, भगवान का नाम। शुद्धता नहीं रहेगा, पवित्रता नहीं रहेगा। हाँ जो पहले जो नीचू लोग होते थे, नीचू स्टैंडर्ड लोग होते थे, नीचू क्या है हिंदी में, नीचू हाँ नीचे नीचे नीच नीच, तो नीच लोग होते थे, वो लोग का आदत नहीं होता था, लक्षण नहीं होता था, धर्म भाव नहीं था, अभी अपवित्र होते थे। जो ऊंचा श्रेणी का लोग वो लोग थोड़ा अच्छा था, हाँ लाइफ स्टाइल वो लोग चिंतन अच्छा था। कलयुग है ऊंचा वाला नीचा वाला इंक्लूडिंग साधु संन्यासी भी, सबका चिंतन नीचा है, सबका लाइफ स्टाइल नीचा है। साधु संन्यासी हम लोग साधु बनते हैं, सिगार टानते हैं, दारू पीते हैं, हमारा भक्त लोग भी करते हैं, सब करते नहीं, कुछ कुछ छिटक जाता है इधर उधर, ज़्यादा भक्त लोग ठीक है दो चार भी इधर उधर जाते हैं ना। तो मैं जब देखता हूँ जब हम अमेरिका जाता हूँ सब हमारा एक्स गुरुकुल लड़के लड़की लोग, सब लड़का लड़की लोग क्या क्या करते हैं क्या मालूम है। लेकिन जब कीर्तन मेला होता है सब आ जाता है। और अमेरिका में वो लोग मिलकर मिलकर कीर्तन करते हैं। मैं जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये महापुरुष कितना कृपा ले, देखा ये लोग क्या क्या बुरा काम करते हैं, जब हरि नाम होता है सब इकट्ठा हो जाता है। इसलिए एक कीर्तन मेला में कोई लंबा बाल वाला आता है, कोई सो कान में दूर लगा के आता है, और मायापुर मैनेजमेंट लोग घुसा गए भागा ये लोग को, ये लोग क्यों ड्रेस अच्छा पहनते हैं। मैं कुछ बोलते नहीं, मेरा पर भी गुस्सा करेंगे। मेरे मन में सोचता है अरे बाबा ये मैं कान में दूर लगाने दो लंबा बाल है तो हरिनाम तो करते हैं ना। ये हरिनाम एक भरोसा है हम लोग कारो, और कुछ भरोसा ही नहीं, भरोसा हाँ आशा है, एकमात्र आशा है। और कुछ के लिए हम लोग योग्यता नहीं है, योग्य नहीं है, ये हरिनाम ही हम लोग बचा पाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ इसीलिए कलयुग के लिए ये हरिनाम दिया गया कि हम लोग के पास शुद्धता नहीं पवित्रता नहीं, हम लोग गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी, हम लोग पुराण पाठ करेंगे तो एक भी ब्रह्मचारी नहीं, एक भी सन्यासी नहीं, एक भी गृहस्थ नहीं। पुराण में जो बनाना दिया गया सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ के लिए, तो हम लोग का लक्षण क्या है, सबसे अच्छा है भगवान का नाम करना, स्थान स्थितांग श्रुतिगतांग तनुबांग मनभी जब प्राय सही अजीत जीत, स्थान स्थितांग शुद्धिगतांग तनुबांग मनोभी। जो जो आश्रम में जो जो व्यक्ति स्थित है वो गृहस्थ है ब्रह्मचारी है सन्यासी है, स्थान स्थितांग श्रुतिगतांग तनुबांग मनोभी। काय मन मनोवाक्य देखे
कितना ज़्यादा समय हमारा भगवान का कथा श्रवण करने में हम लोग अतिवाहित कर पाएंगे उसका पर दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। उससे शुद्धगतंग तनुवांग जब प्राय से ही अजीत जीत तो अजीत जो भगवान उनको जय कर सकता है, हमारा हृदय का सब अनर्थ दूर हो सकता है। श्रवण से ही अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अध्यक्ष जय बाई एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस। भक्ति योग करने से अनर्थ दूर होता है, लेकिन भक्ति योग कैसे करेंगे? लोक से अजाना तो लोगों को मालूम नहीं है। तब विद्वांस चक्र विद्वान व्यक्ति त्रिकालज्ञ श्रील व्यासदेव चक्र वो संकलन उन्होंने संकलन किए विद्वास चक्र शाश्वत संहिता जस्यां वैश्रूयमानायां कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। जिसको श्रवण करने से तो कृष्ण भक्ति उत्पन्न होता है, उदय होता है। एक कलिजुग है लेकिन कलिजुग बहुत बुरा है। मंद सुमंद मतय मंद भाग्य ही उपद्रुता कलिजुग दुष्ट अत्यंत दुष्ट। सुखदेव गोस्वामी ने बताते हैं कलर दोष निधि राजन, वो राजन एक कलिजुग दोष का निधि समुन्दर है। तो कलिजुग में जो लोग मनुष्य जन्म मिला ये दुर्भाग्य ना सौभाग्यवान है, दुर्भाग्यवान ना सौभाग्यवान है। हाँ मंद सुमंद मत मंद भाग्य तो मंद भाग्य है, सौभाग्य है ना मंद भाग्य है। सौभाग्य किसको बोलते हैं, दुर्भाग्य किसको बोलते हैं? जिसका बहुत बड़ा बाड़ी मकान बनाता है अच्छा बिजनेस चलता है उसका भाग्य खुल गया देखो कितना अच्छा। अरे इससे भाग्य खुलते नहीं, सौभाग्य का कारण ये नहीं होता है। सौभाग्य का कारण क्या होता है? जो दिन सत्संग होता है वो सौभाग्य का कारण होता है। सौभाग्य सत्संग से आता है, सौभाग्य हमसे नहीं होता है, हमारा प्रचेष्टा से नहीं होता है, कर्म से नहीं होता है। प्रभुपाद को बताया प्रभुपाद आई एम सो फॉर्चुनेट आई केम टू भक्ति लाइन। प्रभुपाद सेड तुम फॉर्चुनेट नहीं हो, तुम भाग्यवान नहीं हो, मैं तुमको भाग्यवान बनाया। तो कलिजुग में हम लोग सब दुर्भाग्य है लेकिन कलिजुग एक सौभाग्य का कारण है। इसलिए मैं पहले बताया मैं किधर पुराण में पढ़ा तो व्यासदेव को मिलने के लिए कई मुनि ऋषियों ने गए थे। तो व्यासदेव नहाते थे नदी में कि तो किनारे पर ये लोग खड़े हुए थे एक पेड़ के नीचे। तो व्यासदेव नहाते थे, व्यासदेव नहाते थे जो महादेव डुबकी लगाते थे ऊपर उठते थे, व्यासदेव ने बोलते थे ओ कली धन्य कली धन्य कली धन्य, फिर डुबकी लगाए तब जो ऊपर उठे ओ नारी धन्य नारी धन्य नारी धन्य, फिर डुबकी लगाए फिर ऊपर उठे तो बताए शूद्र धन्य शूद्र धन्य शूद्र धन्य। तो नहाने के बाद जब ऊपर आए तो व्यासदेव ने बोले वो मुनि ऋषि लोग आ गए क्या, मैं क्या कर सकता हूँ आप लोग के लिए? तो मुनि ऋषि ने बताया हम लोग कुछ पूछना था, हम लोग आए हुए तो उस बारे में हम लोग बाद में पूछेंगे, हम लोग अभी प्रश्न है। तो आप तो अद्भुत बात बोलते हो, तो हम लोग तो मालूम है कली सबसे निकृष्ट है, सबसे बुरा युग है, आप बोलते कली धन्य है ब्लेस्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? और वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबसे अधम है और आप बोलते हैं शूद्र धन्य, शूद्र इज द बेस्ट, हाउ शूद्र धन्य है? और लास्ट वन इज नारी धन्य, क्या बताऊंगा? यू इंडियन लेडीज आई कैन टेल, वेस्टर्न लेडीज आई कैन नॉट टेल। तो माता जी ने नारी तो सबसे अधम है और निकृष्ट है, वो वेद पाठ नहीं कर पाएंगे, ओंकार ध्वनि नहीं कर पाएंगे, वो लोग का बहुत अधिकार नहीं है। वो लोग का बहुत अधिकार, तुम उनको बोलते नारी धन्य श्रेष्ठ हो गया, कैसा हो गया? तो व्यासदेव ने बोलता नहीं हाँ तुम जो बोलते हो ठीक है, शूद्र श्रेष्ठ नहीं है, कली श्रेष्ठ नहीं है, नारी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ये जो कलिजुग आता है ये कलिजुग ये तीनों के लिए श्रेष्ठ है, ये तीनों के लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि
अन्य दूसरा युग में जो कुछ पद्धति पंथा था, ज्ञान था, ध्यान था, ये नारियों के लिए नहीं था। नारियों के लिए योग तपस्या नहीं था, शूद्रों के लिए नहीं था। हाँ, और क्या है दूसरा युग, लेकिन कॉलेज में जो आएगा ये सब के लिए है, सब के लिए है। हाँ, नारियों के लिए, शूद्रों के लिए, विशेष करके ये जो हरि नाम है ना, ये हरि नाम कौन से किसका ऊपर अच्छा काम करेगा मालूम है? किसका ऊपर अच्छा काम करेगा? हाँ, हाँ, जो जात सबसे पतित है उनका ऊपर अच्छा काम करेगा। हाँ, श्रेष्ठ लोगों का ऊपर अच्छा काम नहीं करेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं उनका कमेंट्री में, जे ये जो था क्या नारायण, नारायण नाम क्या अजामिल, तो नारायण करके पुत्र को बोलता था भक्त, हम लोग इतने दिन हरे कृष्ण करते कुछ होता नहीं होता है। तो उन्होंने बताते नहीं, ये हरि नाम जो जितना पतित है जंतु जानवर, ये लोग का विवेक ज्ञान नहीं है, इन लोग का ज्यादा अच्छा काम करता है। हाँ, जो लोग विवेक ज्ञान है वो लोग पर कम काम करेगा। तो मैं क्यों विवेक ज्ञान था क्यों कम काम करेगा? तो मैं अभी ट्राइबल प्रचार के लिए जाता हूँ, ट्राइबल केयर के लिए जाता हूँ। तो ये लोग का, ये लोग जैसे जंगल का आदमी जैसे जंतु जानवर जैसा ऐसा ही है। हाँ, बहुत अंदर में जब जाता है कोई विवेक ज्ञान नहीं है, लेकिन एक अच्छा गुण इन लोग का है, वो लोग को मालूम है जो हम लोग पतित हों, हम लोग पतित हों, निकृष्ट हों। हाँ, इसीलिए वो लोग का मन में कोई अहंकार नहीं होता है, इसलिए सरल होता है। और जब कुछ ज्ञान धन ये आता है ना, हम लोग स्ट्रगल करना पड़ता है सरल होने के लिए ना। हाँ, हमारा बहुत बड़ा बड़ा लोग, वेरी ए क्लास लोग भक्त बनते हैं, लेकिन वी आर ऑल स्ट्रगलिंग, कैसे सिंपल बनेंगे, कैसे अहंकार छड़ेंगे, नहीं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हरि नाम इसीलिए हम लोग के ऊपर अच्छा काम नहीं करता है। मैं पहले बताया, आप लोग सुने हुए, तो मैं ऐसा एक जगह पर बताया, जे जितना पापी होगा, जितना पतित होगा, महापुरुष का ज़्यादा कृपा लाभ करेगा, हरि नाम अच्छा काम करेगा। तो क्लास जब खत्म हो गया, एक भक्त ने पूछा, तो महाराज तो मैं काल से पतित होने के लिए कोशिश करूँगा, जितना पतित होगा तो जल्दी ज़्यादा कृपा मिलेगा, पतित होने पड़ेगा। हाँ, पतित होने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अरे तुम पतित नहीं हो इसलिए सोचते हो तुम मांगो पतित होना पड़ेगा। तुम बोलते हो ना काल से मैं पतित होगा, इसका मतलब क्या है? तुम सोचते हो तुम अभी पतित नहीं हो, यही प्रॉब्लम है हम लोग का, यही प्रॉब्लम है। हम लोग समझते नहीं हम लोग पतित है। तो जब जो मुहूर्त हम लोग समझ पाएंगे असली ढंग से मैं कितना पतित हूँ, उस मुहूर्त में क्लिक करेगा हरि नाम, क्लिक करेगा। तब तक हरि नाम क्लिक नहीं करता है, हम लगा पोजीशन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बाहर से प्रवचन देते हैं, लेकिन अंदर में थोड़ा है, अंदर में। हाँ, सब लोग सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे। हाँ, बहुत सारी मैं इतना खोला उसका इतना ओपनली नहीं बताऊंगा। हाँ, भक्ति लेने आने से भी हम लोग का पोजीशन के लिए फैसिलिटी बहुत हम लोग का है। हाँ, इज ओपन सीक्रेट, इज ओपन सीक्रेट। तो मेरा विचार में इसीलिए हम लोग का हरि नाम का असर पड़ता नहीं, ना असर पड़ता नहीं। और एक अच्छा चीज़ देखने के लिए भी विचार करने से आप लोग को मालूम होगा जब भगवान कितना कृपालु है, ये भगवान का करुणा का महिमा इससे हम लोग को मालूम होगा। देखो, भगवान ऊंचा लोग के लिए ज़्यादा नज़र रखते हैं ना, नीचा लोग के लिए ज़्यादा नज़र रखते हैं? किसको ज़्यादा प्यार करते हैं? ठीक, जैसे ऐसा घर में पांच लड़का है, जो लड़का बुद्धिमान है, अच्छा करता है, पिता का माता का नज़र उतना नहीं, जो अच्छा काम करता नहीं, लोफर वगैरह पर उनको अच्छा प्यार ज़्यादा करता है ना, इसको कैसा हम भलाई करूँगा? तो भगवान का हाँ स्वभाव ऐसा ही है, जो अति पतित है, हाँ नगण्य है,
वो लोग के लिए भगवान का ज़्यादा कृपा है, करुणा है। कैसा देखो, सत्य युग का लोग तो बहुत श्रेष्ठ थे ना, धर्म को पालन करते थे, मुनि ऋषियों का प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था, धर्म चार पाँव पर खड़े हुए थे, सत्य तपस्या शुचिता दया पूर्ण मात्रा में धर्म था ना सत्य युग में। और द्वापर त्रेता युग में तीन पाँव हुआ, एक पाँव टूट गया, द्वापर युग दो पाँव पर खड़े हुए धर्म, कलयुग एक पाँव पर खड़े हुए, कलयुग मंद से मंद मत मंद भाग्य अपद्रुत। लेकिन आप लोग विचार करेंगे देखेंगे तो सत्य युग लोग होते थे, सत्य युग लोग मुनि ऋषि धार्मिक लोग होते थे, उन लोगों को क्या प्राप्त होता था, वो लोग तो अच्छा से धर्म को पालन करते थे। सत्य युग में वर्णाश्रम धर्म बहुत अच्छा से पालन होता था, तो वर्णाश्रम धर्म पालन करके क्या प्राप्ति होता है, हाँ स्वर्ग होता है। अच्छा से गृहस्थ धर्म पालन करो स्वर्ग जाएंगे, अच्छा से ब्रह्मचारी हो धर्म पालन करो भूलोक महल्लोक जाएंगे, वानप्रस्थ पालन करो जनलोक जाएंगे, अच्छा सन्यास हो सत्यलोक जाएंगे, समझते हैं। तो उस जमाना में असली गृहस्थ थे, असली सन्यासी असली ब्रह्मचारी थे, अभी इस जमाना में सब नकली गृहस्थ है, ये सब नकली ब्रह्मचारी है, सब नकली सन्यासी है, एक ही सन्यासी नहीं एक ही गृहस्थ नहीं, उसी हिसाब में विचार करेंगे तब। उस समय में थे, हम लोग नहीं है, लेकिन वो लोग जो असली गृहस्थ ब्रह्मचारी था वर्णाश्रम धर्म पूर्ण तरीका पालन करते थे, लेकिन क्या पाते थे, क्या लाभ करते थे, हाँ स्वर्गलोक जनलोक महलोक तपलोक सत्यलोक पाते थे भगवान दिए लोग को। और मुनि ऋषि योगी लोग होते थे, बहुत ज्ञानी थे, आजकल ऐसा ज्ञानी नहीं होते हैं, हाँ बहुत ज्ञानी होते थे उस समय, निराकार ब्रह्म का उपासना करते थे। आजकल जो मायावादी हो तो मायावादी भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो मायावादी लोग, वो लोग मायावादी हमको मालूम है, लेकिन वो लोग को मालूम नहीं क्या है वो लोग कुछ को कुछ भी मालूम नहीं, कर्मकांडियों को कर्मकांड भी मालूम नहीं, ज्ञानियों को ज्ञान भी मालूम नहीं क्या करते हैं। लेकिन उस समय तो रियल ज्ञानी थे, उसे ज्ञानी नहीं, उस समय रियल ज्ञानी थे, हाँ असली ज्ञानी थे। उस समय का असुर असली असुर थे, आजकल असुर जो है ये भी नकली असुर है, ये असली भी असुर जो हिरण्यकश्यप रावण वो जैसा है, जिसका पराक्रम प्रभाव था, आजकल क्या है, हाँ अरे वो असुर लोग तो पराक्रम प्रभाव कैसे किससे पाए, यज्ञ कर से वेद वेद पाठ के ज्ञानी थे ना, हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा ज्ञानी थे। मेरा बोलने का मतलब है उस समय जो ज्ञानी लोग होते थे, ज्ञान को द्वारा क्या प्राप्त होते थे, सत्य युग त्रेता युग जाओ ज्ञानी लोग होते थे, लोग क्या प्राप्त होता था, ब्रह्म ज्योति निराकार ब्रह्म को प्राप्त होते थे, होता ना तपस्या करते थे। आजकल ऐसा तपस्या कर पाएंगे, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधिस्थ होते थे ना, और आजकल तो हमारा रामदेव बाबा आ गए योग सिखाते हैं, तो योग क्यों सिखाते हैं, लोगों ने क्यों इतना योग करते हैं, योग का लक्ष्य क्या है, हाँ योग का लक्ष्य अंतिम लक्ष्य है हृदय में परमात्मा का दर्शन करना, वो तो अंतिम लक्ष्य है, लेकिन शुरुआत का लक्ष्य क्या है, शुरू का लक्ष्य क्या है ना, विषय को इंद्रिय को विषय प्रत्याहार करना है ना, यम नियम आसन प्राणायाम से प्राणायाम और योग क्यों करते हैं, प्राणायाम योग करने का मतलब उद्देश्य क्या है ना, इंद्रियों को विषय से प्रत्याहार करना। रामदेव बाबा जो योग प्राणायाम सिखाते हैं इसीलिए सिखाता है, लोग इतना बड़ा लाइन लगाते हैं इसीलिए, अपोजिट मैं योग करके थोड़ा सुस्त रहूँगा और ज़्यादा भोग कर पाऊँगा ही इज डूइंग गुड। हमारे भक्त लोग भी रामदेव बाबा को फॉलो करते हैं, लेकिन सुस्त होकर भगवत सेवा करो, रामदेव बाबा सिखाते शरीर सुस्त रहे ठीक है, लेकिन योग का जो लक्ष्य नहीं है। पहला जमाना में जो योगी थे असली योगी थे तो परमात्मा का दर्शन करते थे, पहले जमाना में
असली धार्मिक धर्माचारी लोग थे, अभी सब अधर्माचारी। पहला जमाने में असली ज्ञानी थे, अभी सब अज्ञानी है। पहला जमाने में सब असली योगी थे, अभी सब भोगी है ना। और वो लोग योगी होके क्या प्राप्त किए? पहले जमाने में बहुत भक्त भी थे, लेकिन भगवान का कितना करुणा है इस कलयुग पतित लोगों के लिए, जो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, धर्म अधर्म विधर्म कुछ कर नहीं पाएंगे, वो लोग के लिए एक विशेष वस्तु प्रदान किए। क्या वस्तु प्रदान किए? अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसंग स्वभक्ति श्रियम। ये दूसरा जमाना में नहीं था, उसी युग नहीं था, तो भगवान इतना कृपामय जो सबसे पतित है उसी युग का लोगों को सबसे श्रेष्ठ चीज देते हैं ना। सत्य युग लोगों को दिया नहीं, द्वापर युग में संधान मिला नहीं, त्रेता युग में मिला नहीं, कलि युग लोगों को मिला। कलि युग लोगों को मिला है। अरे हम लोग तो भक्ति जीवन करते हैं, हम लोग को मालूम है इसी लाइफ में प्रेम नहीं मिलेगा, मालूम है ना। तो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है लगता है अरे प्रेम नहीं मिलेगा हम लोगों को। अरे प्रेम नहीं मिलने से ऐसा तो कुछ चीज़ है, इतना ध्यान, इतना तो ज्ञान तो हुआ ना, हम लोग को मालूम है प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन इतना ज्ञान तो हुआ, इतना श्रेष्ठ वस्तु है इस संधान तो कलयुग लोग के लिए मिला है, कलयुग लोग के लिए भगवान दिए हुए। तो इससे भगवान का करुणा का प्रभाव हम लोग को मालूम होता है। तो इसीलिए बताते ऐसा कौन लोग है जो कलयुग में मनुष्य जन्म लाभ करते हुए भी भगवान का नाम नहीं करेंगे, उनका महिमा उनका यज्ञ श्रवण नहीं करेंगे, जिसको करने से सत्य तृतीया द्वापर युग का लोग को जो लोगों ने जिसको जो प्राप्त कर नहीं पाते थे उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा कोई आदमी है जो इसके बारे में सीरियस नहीं बनेंगे? हाँ, इससे आनंद लेना, भगवान का कथा भगवान नाम से आनंद लेने के लिए कोशिश करना, हम लोग को तो आनंद नहीं आता है, आता है ना नींद आता है। भगवान कथा से आनंद आता है ना नींद आता है? नींद आता है ना आनंद आता है? नहीं, से आदत नहीं है। नींद आता है, नींद आ जाता है जब भागवत वक्ता वो शुरुआत करते हैं श्लोक पढ़ के, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाका चक्षुर उन्मीलितम स्वत्वांग चक्षुष निमीलित हो जाता है, बंद हो जाता है ना। और जब भागवत कथा होता है तो कैसा भी बढ़ता है, नींद आ जाता है, मेरा भी नींद आता है, मैं इधर बढ़ती नींद आता है, आपके तरफ मेरा भी नींद आ जाता है। आज जब भागवत वक्त कथा शेष हुआ जैसे प्रभुपाद की घूम भांग गया, हमारा नाम भी आनंद नहीं आता है, कथा भी आनंद नहीं आता है, कैसा सोलोमाला जप करने से, जप करने का टाइम आनंद नहीं आता है। कब आनंद आता है? जब सोलोमाला हो जाता है तब आनंद आता है। ओह, ड्यूटी हो गया आज का, हम नो एंग्जाइटी, हमारा जब करते रहूँगा आनंद इतना लगता है, जब करते रहूँगा ऐसा नहीं है, कब सोलोमाला खत्म होगा, ओह ड्यूटी हो गया आज का। ये हम लोग का स्थिति है, लेकिन ऐसा करते हुए कब भगवान का कृपा होगा? ये तो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। हम जप में लगे हाँ हरे कृष्ण ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं होता है। वो भगवान का नाम कृपा करके उनको स्वरूप को प्रकाश करेंगे, कब होगा? हो सकता है, ऐसा भाव दिखाने से नहीं हो सकता है। हम लोग सीरियस होने से तो नाम प्रभु कृपा करके तब वो दूसरा आनंद है। अभी जो हमको आनंद मिलता है वो असली आनंद नहीं है, वो दूसरा आनंद मिलेगा भगवान का कथा का, भगवान का नाम का। अभी तो हमको आनंद कब, भगवान का कथा से कब आनंद आता है? हाँ, जब कुछ अच्छा श्लोक बोलते हैं, कुछ अच्छा कहानी बोलते हैं तब तो आनंद आता है। तो अभी तो भक्त लोग का आदत हो गया वही शास्त्र श्लोक गोस्वामी का बात बोलने से भक्त लोग का आनंद आता है। अभी ऐसा नहीं, चुटकी बोलते हैं, चुटकी क्या बोलते हैं? हाँ,
ये सब बोलता ना, इसको लोग को जगाने के लिए रखने के लिए, तो वो भी नहीं, अभी तो गान बजाना करके करने पड़ता है ना, को को गाना करते हैं म्यूजिक तब थोड़ा लोग सुनते हैं, सो जाते हैं, सब सो जाते हैं, क्या करेंगे इसलिए कितना फिक कर करके लोग को कथा सुनाने के लिए व्यवस्था करते हैं लोग। तो जैसा भी हम लोग का चेष्टा करना चाहिए हाँ, कैसे भगवान का कथा में हम लोग को मति गति रहेगा, इसलिए प्रभुपाद स्कंद बनाए, इसलिए मायापुर हाँ बनाए। जैसे प्रभुपाद की ये बहुत अच्छा प्रचेष्टा है, ये हिंदी भाषा में भागवत कथा हो रहा है, अभी कुछ कुछ हिंदी लोग कॉन्ग्रीगेशन भी आते हैं, क्योंकि मैं देखा बहुत साउथ इंडियन आ गए, हिंदी भाषा लोग बहुत कम है हमारे मायापुर में, तब थोड़ा नॉर्थ इंडिया आना चाहिए, तो बैलेंस होगा साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया तो मेक मोर इंटरनेशनल, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन और बंगाली भक्त इधर है, तो ऐसा हिंदी भाषा भाषी लोगों के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम होगा, तो हिंदी भाषा भाषी लोगों को भी अच्छा शेल्टर मिलेगा, वो आएंगे। तो जब हिंदी भाषा का भक्त लोग आते हैं, महाराज लोग आते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा ऐसा कथा करेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।